अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? तो कल ईद डे वन था हर जगह। आई होप कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। अभी मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ काम के लिए। एक्चुअली मुझे फोटोज़ खिंचवानी है फॉर सम डॉक्यूमेंट्स, वहाँ जा रही हूँ। घर वापस आएंगे देन वी विल गेट रेडी फॉर ईद डे टू, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने के लिए। और बाहर इतना अच्छा आज मौसम हुआ है, फिर से धूप निकली हुई, सूरज आया हुआ है। और कल हमने प्रॉपर रेडी हुए थे फोटोज़ के लिए एंड रेन स्टार्ट होगी, बारिश स्टार्ट होगी, रेन। तो चले खैर, अभी मैंने अरवा का फीटर वगैरह बना लिया, बच्चों को रेडी कर दिया, निकलती हूँ। कार इज़ वेटिंग आउटसाइड, घर आके फिर आपसे मिलती हूँ या फिर वहाँ पर ही कुछ दिखाने वाला हुआ तो आई विल कम बैक। ठीक है, तो फोटोज़ वगैरह खिंचवा के घर वापस आ गए थे और आज धूप भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि अरवा को मैं रेडी करती हूँ, उसकी फ़ोटोज़ तो लेते हैं। ईद डे टू की खुद मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था रेडी होने का, तो मैं तो जैसे ही कपड़े चेंज किए और मैं अपने रेस्ट मोड में चली गई थी। अरवा को ये वाला ड्रेस बनाया आज, ये मेरी कज़न ने दिया था और माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी। आज मैंने इसको सारी ज्वेलरी, पिंस, जूता सब कुछ पहना दिया और यहाँ पर मैं इसको बैठा के इसकी फोटोग्राफी कर रही थी। और मैंने कहा चलिए, इसको तो याद रहेगा ना कि पहली ईद इसकी, ईद डे टू पे इसने क्या पहना था। और इसकी मैंने कहीं पिक्चर शेयर नहीं की क्योंकि माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही थी। आप लोग भी माशाल्लाह लाजमी कह देना, ठीक है। तो पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद जो है ना, अरवा थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगी थी क्योंकि इस तरह के कपड़े ज़्यादातर पहनते नहीं हैं, तो फ़ौरन ही फिर कह रही थी कि बस मुझे चेंज कराओ। मैंने इसको ये वाले पहना दिए और साथ ही माशाल्लाह से खेलना स्टार्ट हो गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो लास्ट मैंने क्लिप्स बनाए, उस दिन मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ईद के सेकंड डे, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इतना लेजी डे गुजरा तो व्लॉग भी मैं नहीं बना सकी। उसके बाद आज मैं दोबारा से व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, कपड़े मेरे वहीं क्योंकि यही सामने मिले तो मैंने पहन लिए। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, और मतलब एक काम के अपॉइंटमेंट है वहाँ जा रही हूँ। उसके बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं, जो भी करेंगे। आज मैं व्लॉग लास्ट में बनाऊंगी। और बाहर इतना अच्छा मौसम है, मैं आपको बता ही सकती हूँ। मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थोड़ी देर पहले, जब पिक्चर्स ना लेनी हो तब बारिश होती है, नो प्रॉब्लम। जब पिक्चर्स लेनी हो तब बारिश हो जाए फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खैर, अभी हम सब रेडी हैं, बस निकलते हैं थोड़ी देर तक एंड देन आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना समझ से बाहर मौसम हुआ है ना, धूप भी इतनी निकल रही है, बारिश भी हो रही है। अभी कार अरवा का बंद कर रहा है कार सीट का, और दरवाज़ा हवा इतनी तेज है, गाड़ी भी हिल रही है और दरवाज़ा वगैरह ने वैसे खुला रखा हुआ है वरना दरवाज़ा बंद हो जा रहा है बार बार। और जहाँ से वहाँ पे एक्टिंग कर रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ, मुझसे उड़ा जा रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। जाते दिखाओ ट्राउजर पीछे से, दिखाओ क्या हुआ। ये कार में चेयर पे बैठा, सीट पे इसको पता नहीं चला, जब उतरने लगे हैं तो अभी इसको पता चला, कहता गीला हुआ ट्राउजर, पानी की बॉटल पड़ी थी वो लीक हो गई, दार से उसके ऊपर बैठा रहा है, सारी ट्राउजर गीला कर लिए। मैं व्लॉग में बता रही हूँ। तो जिस काम के लिए हम आए थे वो हमारा काम हो गया था, तो अब हमें लग गई थी सख्त किस्म की भूख। तो हमने जो है ना खाना लिया है, यहाँ पे मैंने पार्मेजन चिकन लिया है, ज़ार से अपना फेवरेट पिज़्ज़ा लिया है, और हम गाड़ी में बैठ के खाना स्टार्ट हो गए हैं। और क्योंकि इतनी भूख लगी थी ना, वेट नहीं हो रहा था कि अभी हम कहीं पहुँचेंगे तो फिर खाएँ, और खाना गाड़ी में आ जाए तो स्मेल वैसे ही फैल जाती है, और भूख लगी हो तो और ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो कार ने भी अपने लिए कुछ लिया है, वो ट्राई करवा रहा था मुझे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगा तो इसलिए मैंने नहीं खाया। और अब मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल बंद होने वाली है, मैंने एक रील भी सोचा था भी थोड़ा बहुत। रेनबो इधर आ जल्दी, वो देखो, और ये देखे यार, इट्स सो प्रीटी, कितनी ज्यादा है आज ऐसा मौसम है। बर्ड्स देखो, ब्लर आ रही है फोटो, एक सेकंड देखते हैं। हाँ सही है, वो देखो रेनबो इतनी प्यारी। इनको अगर हम फूड डालेंगे ना सारे हमारे पास आ जाएंगे। मैं सोचता कि रेनबो के पास, सारे रेनबो के पास चले जाओ। और कितनी प्यारी लग रही है यार, क्लाउड स्काई देखो। यहाँ पे इतनी अच्छी पिक्चर आ सकती है, हम ईद पे इधर आना चाहिए था लेकिन अभी बारिश हो रही थी। वाह, इतना अच्छा व्यू है, और यहाँ पे इधर से जो है ना ले रहा झूले, इसको यहाँ पे मिल गए स्लाइड्स वगैरह। हाय, अब ले भी लो, समझ ही नहीं आ रही अब कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ।
हाय अल्लाह, यहाँ भी नजर आ गया मुझे डॉग। और पानी पानी इतना प्यारा है सारा, इस तरफ भी, इस तरफ सारी डक्स हैं। नाइस व्यू। ये पीछे कितना अच्छा आ रहा है, ग्रीन ग्रीन सा, मजा आ रहा है। हाँ ठंडे हो गए मेरे, कभी धूप आ जाती है कभी बारिश आ जाती है। वाओ दार से, दिस इज सो प्रिटी, इतना प्यारा लग रहा है। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है तो मैं काफी फोन को यूज कर रही हूँ। यार शायद कोई कुत्ता फौज भी चला हुआ होगा, उसके लिए उन्होंने बनाया बेंच। बारिश में स्टार्ट हो गई है इतनी तेज, अभी हम भाग रहे हैं गाड़ी की तरफ। चलो 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 भागो, तेज बारिश है। अगर हाँ देखो ध्यान से, लेकिन बड़ा मजे का है यार, ध्यान से दिल कर रहा है बैठ जाऊँ, पर बारिश बड़ी तेज है यार। भागो भागो, बड़ी तेज बारिश हो रही है। दिखाती हूँ, नजर आ रहा पानी के अंदर, मैं नहा लूं इधर। हाँ नहा लूं, ठंड में नहा लूं। चलो भागो गाड़ी की तरफ। सो ये कार के फोन से व्लॉग बन रहा है, मेरी शक्ल ही और थक के आ रही है इसमें तो। अल्लाह खैर, अभी हम गाड़ी में पहुंचे हैं। इतनी तेज बारिश शुरू हो गई थी, अरे बारह से आप लोगों को आइडिया हो रहा है। जार से भी दिखाती हूँ, जार से पूरा नहा चुके हैं हम, डक सही इंजॉय कर रही होंगी ना पानी को। हमारे तो हाथ पांव फ्रीज हो गए हैं, देखें मेरे हाथ। शुक्र हरवा का वो कवर्ड वाला था प्रैम, वरना तो मसला आना था। सो अभी हम वापस घर जा रहे हैं, और ये जो रेनबो है इतनी देर तक नज़र आती रही है। हालांकि यहाँ पे रेनबो अक्सर नज़र आ जाती हैं, फिर भी जब भी देखो इतनी एक्साइटमेंट होती है, बच्चों की तरह इतनी प्यारी लगती हैं। और व्लॉग का मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।